सरोकार। चुनाव प्रचार समिति के कागार पर प्रत्याशी कर रहे निष्पक्ष मतदान करने की अपील। जहरीली शराब से बढ़े मौत के मामले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का किया पुतला दहन। ट्रैक्टर ट्रॉली लूट कर आरोपी फरार, पुलिस ने दर्ज की मामले में रिपोर्ट। बदमाशों के हौसले बुलंद, ताला तोड़ कर किया दो घरों में चोरी, 8 लाख की जेवरात लेकर हुए फरार। जेई को किया रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, एलटी लाइन एक्सटेंशन के लिए ठेकेदार से मांगे थे पैसे। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां शिकारपुर थाना क्षेत्र के खजूरिया गांव में आग लगने के कारण लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। आग की लपटें देख परिजन कड़ी मशक्कत से घर से बाहर निकले। बता दें, ग्रामीणों ने सूचना देने पर पहुंची अग्निशमन दस्ते के लोगों ने आग पर काबू पाया। समय मैं सोया था घर में, जब बकरी चिल्लाने लगी तो मैं दौड़ कर दरवाजा खोला तो देखा आग लग गया है। आग लग गया है तो उसमें चिल्लाया ज्यादा जोर से, तो कुछ लोग आया तो पानी डाला, कुछ डालते डालते तो जल गया। बाद में ये क्या बोलता है, मशीन आया तो जलने के बाद वो आया तो बुताया, उसमें एक गाय, दो बकरा, एक मोटरसाइकिल और जो है चावल गेहूँ है। हम लोग को खबर मिला था, हम लोग पड़ोस के रहने वाले हैं, ये बिजली विभाग के लापरवाही की वजह से बार बार जो शॉर्ट सर्किट होता था ना, उसी की वजह से ये आग लगा है। अब जब आग लगा तो हल्ला हुआ तो हम लोग दौड़ के आए, देखा तो जब तक ले आग फैल गया था, उसके बाद सूचना दिया नरकटियागंज फायर ब्रिगेड का, वो भी आया तब तक ले पूरा जल के खाक हो गया। बाद में 11 बजे के करीब में आग लगी, मुझे सुबह सूचित किया गया है। मैं यहाँ आकर देखा, मैं बहैसियत मुखिया प्रतिनिधि बरवा बरौली के हैसियत से आया और देखा तो बिजली डिपार्टमेंट के लापरवाही और कोताही के वजह से जर्जर स्थिति में तार को देखा और उसी स्थिति में वो केबल गिरा और उस घर में आग लग गई। खबर बेतिया से है, जहां नगर परिषद रामनगर से सभापति उम्मीदवार सविता देवी पति नागेंद्र पासवान को मतदाताओं ने शिक्षित और बेहतर बताया और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जनता मौका देती है तो निश्चित रूप से नगर परिषद रामनगर में विकास की गति मिलेगी। वहीं सभापति उम्मीदवार सविता देवी ने मतदाताओं से कहा, एक गलत चुनाव 5 वर्ष के लिए विकास बाधित कर देगा, इसलिए जात पात से ऊपर उठकर सही उम्मीदवार का चुनाव करें। समाज सेवा करें, ठीक है, अगर जनता आपको मौका देती है तो आपका पहला काम क्या होगा, क्या प्राथमिकता होगी रामनगर के लिए? वही विकास करेंगे, काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तभी तो जनता आगे के लिए अच्छा चुनेंगे। जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग नए उम्मीदवार है, अगर नए उम्मीदवार को मौका दिया जाए तो हम लोग सबको सेवा करने का मौका मिलेगा। नया उम्मीदवार है, काम करके दिखाएंगे, रामनगर का बेहतर विकास मॉडल बना के सभी स्टेट में पेश करेंगे। खबर बेतिया से है, जहां लगातार जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो रही हैं और बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से विफल रहा है, जिसके चलते भाजपा जिला कार्यालय के नजदीक बगहा दो ढाला चौक पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। बता दें, इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे, बगहा विधायक राम सिंह, रामनगर विधायक भागीरथी देवी, अन्य सभी भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे। एक तरफ आप माननीय सांसद जी ठीक ही बोले हैं कि एक तरफ आप गोपालगंज में उस व्यक्ति को टिकट दिया जो उसका फैक्ट्री था दारू का,
दूसरा तरफ कुंडली में उस व्यक्ति को दिया जो वायरल हुआ, दारू पीते हुए वायरल हुआ था, उस व्यक्ति को आपने टिकट दिया। इस मामला में कहाँ तक सत्य है कि दारू पीने वालों को जेल और दारू बनाने वाले को टिकट, यह नीतीश सरकार का योजना है और वे आपा खो दिए हैं। सदन में विरोधी दल के नेता का माइक काट देना, लाइन काट देना और एक तरफा बात सुना सरकार की तरफ है, यह बहुत सरासर गलत है। इसके विरोध में हम लोगों ने पूरे बिहार में जिला मुख्यालय अनुमंडल मुख्यालय पर पुतला दहन हुआ है। नीतीश जी का संवेदना समाप्त हो चुका है, नीतीश जी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। नीतीश जी जो छपरा में 59 लोग मरे हैं उसमें जो बोले हैं जो शब्द, जो पिएगा वो मरेगा, तो आखिर आपके सरकार में दारू आता कहाँ से है कि सरकार दारू लोग पी रहा है? आखिर तो सरकार इस दारू को बंद कर दिया है, फिर दारू आता कहाँ से है? खबर पश्चिम चंपारण बगहा के रामनगर थाना क्षेत्र से है, जहां 3 अपराधियों ने मिलकर एक ट्रैक्टर ट्रॉली को लूट की घटना को अंजाम दिया और ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर फरार हो गए। वहीं इस संबंध में थाना अध्यक्ष ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, असम गाड़ी खड़ा करके मारो के गाड़ी लेकर भाग गया था। कहाँ से? मुर्गा चौक से, मुर्गा गांव से 10 कदम आगे। अच्छा, कितना लोग रहे? 6 आदमी रहे। सीधे आई रहा से चाबी मंगल, चाबी मंगल एक झापड़ मार के गाड़ी पर से उतार दर सन रखे। अच्छा, कहाँ नाम पड़ी राउर? हरिराम। कहाँ घर? दिनांक 12/2022 को सोनखर और बंजरिया के बीच एक ट्रैक्टर मंजूर मियाँ का ट्रैक्टर शुगर मिल से गन्ना लोड करके जा रहा था। लगभग 11:45 के आसपास जैसा उसने आवेदन दिया है कि एक उजला रंग की मारुति वाहन सवार 3-4 अपराध कर्मी गाड़ी को रोक करके और उसको गाड़ी से उतार के गन्ना के खेत लेने के चले गए और एक दो अपराध कर्मी उसकी गाड़ी वहीं से बाइक कर। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां जहरीली शराब पीने से हुए मौत के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और लगातार शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान भी चला रही है, जिसके चलते पुलिस ने नगर के धानगढ़ टोली में 1,000 लीटर अर्ध निर्मित शराब बनाने का घोल विनिष्टीकरण किया और साथ ही 10 लीटर कच्ची शराब भी बरामद की है। ध्यान रखते हुए आगामी नगर परिषद चुनाव को ध्यान में रखते हुए पूरे दलों के साथ धानगढ़ टोली में शराब के विरुद्ध छापेमारी की गई। करीब पूरे धानगढ़ टोली में 1,000 लीटर कच्चा माल भी नष्ट किया गया और लगभग 10 लीटर तैयार माल बरामद हुआ है। इस संबंध में भी गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है, सभी लोग भाग गए हैं। इस संबंध में FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। किन किन निर्देश निर्देश SP साहब के निर्देश पर SDPO रामनगर के रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दावपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा, जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल, जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम, पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम, निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर मधुबनी से है, जहां चोरों ने रहिका प्रखंड के नाजिरपुर गांव में 2 घरों में करीब 8 लाख की जेवरात समेत नगद की चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं इस मामले में गृहस्वामी का कहना है कि जिस घर में गृहस्वामी सोए हुए थे, उस घर में बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी गई थी और दूसरे घर का ताला तोड़कर पैसा और जेवरात लेकर फरार हो गए। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही मामले की जांच में जुट गई है। क्या नाम हुआ आपका? संगीता देव। क्या आपके घर से चोरी हुआ बताइए? सोना 10 घर से ऊपर सोना के लिए चोरी हुई। कैश नगद? कैश ले 7-8 हजार से लिए। क्या बजे रात में चोरी हुई जानकारी है कुछ? सुबह में पता चला आप लोगों को? यहाँ 1,40,000 रुपया लगे थे और करीब करीब 65,000 के से चांदी के गहना लगे। कब चोरी भेल? 1:30 बजे रात से पहले कल के। अहाँ सब घर में नहीं चलिए? चलिए, अब दूसर घर में बाहर से लॉक कर देने चले। किनका घर में चोरी भेल? चौधरी घर में। तकरीबन कते के संपत्ति लगे? लगभग 2 लाख के। कैसे मिला के? मुन्नारमन चौधरी। किनका घर में चोरी भेल? मुन्नारमन चौधरी घर में। आपके घर में चोरी हुई है? क्या नाम हुआ आपका? गंगा मोहन पांडे। किस टाइम चोरी हुई जानकारी मिली आपको? नहीं, ये पता नहीं चला, लगभग 12-1 बजे के रात में चोरी हुई। तो आपको कब पता चला कि हमारे घर में चोरी हुई है? हमारे घर में को पता चला है 3 बजे। 3 बजे क्या सामान सब ले गया? हमारे यहाँ से ले गया है गहना ले गया है, कुछ पैसा ले गया है। तकरीबन कितना के संपत्ति ले गया होगा? संपत्ति तो मोटा मोटी 1-1.5 लाख से ऊपर का। नगद? नगद 5-6 हजार। यही गड़बड़ी है ना, गश्ती नहीं होता, कभी भी नहीं होता, गश्ती होना चाहिए। गश्ती नहीं होती है? नहीं, कभी थाना द्वारा बराबर कहता है कि हम लोग गश्ती करते हैं। नहीं, गलत कहता है, अपना जाता होगा। क्या नाम आपका? नहीं होती है, आज तक प्रशासन आया ही नहीं। लेकिन थाना तो बोलता है कि हम लोग जाते हैं गश्ती में। गलत बोल रहा है, रोड पे आता है, रोड पे आता है। बाई चांस एक आध पेशेंट अगर आते भी हैं तो बाई रोड जाते हैं। यहाँ तो 10 बजे रात से चौक चौराहे पर गुंडा बदमाश घूमता रहता है, आज तक प्रशासन कुछ किया ही नहीं है। खबर नालंदा से है, जहां निगरानी विभाग की टीम ने बिहार शरीफ के विद्युत प्रमंडलीय कार्यालय में जेई को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। वहीं इस मामले में निगरानी विभाग के DSP खुर्शीद आलम ने बताया कि कंप्लेनर के द्वारा जेई को 12,000 रुपए दिए गए, तभी विद्युत प्रमंडल कार्यालय बिहार शरीफ से वसीम अख्तर को रंगे हाथ पकड़ लिया गया, जिसके पास से कुल 12,000 रुपए जब्त किए गए हैं। आज जो है वसीम अख्तर है, जूनियर इंजीनियर, जो कि करण बिघा विद्युत आपूर्ति प्रशाखा में पदस्थापित है, उनको 12,000 रुपया रिश्वत लेते हुए निगरानी की टीम के द्वारा रंगे हाथ विद्युत प्रमंडलीय कार्यालय बिहार शरीफ ग्रामीण ऑफिस से गिरफ्तार किया। किनके कंप्लेन पर यह गिरफ्तारी हुई है सर? दीपक कुमार कंप्लेनेंट है। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये करण बिघा के हैं, जिसे पटना के रहने वाले हैं, लेकिन ये चूँकि
ठेकेदारी का काम था इनका। अच्छा, तो LT एक्सटेंशन के लिए उसी प्रोजेक्ट को पास वास कर लिए। शुभ नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद आलम है, DSP विजिलेंस। ठीक है। खबर नालंदा से है, जहां बिहार शरीफ मुख्यालय के रजिस्ट्री ऑफिस के पास जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। बता दें, दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। वहीं मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तब तक वहां कोई शिकायतकर्ता नहीं मिले। बता दें, पुलिस मामले की जाँच कर कार्रवाई करेगी। हम लोग आते जाते हैं, ये जो मेरी बड़ी माँ है गुलपतिया देवी, इनको बहला फुला के दिमागी हालत ये कर दिया। उन लोग पूरे विरोध में कर दिए एकदम, ये लोग मारता है फलना करता है आदमी। वो करीब 20 बार हम लोग यहाँ रांची में जा जाके साल साल भर रह करके आई। 24 तारीख को पता चला कि लोग कर रहे हैं, तो रजिस्ट्री हो गया एक जगह का जो ऑन रोड जमीन में था। और फिर अभी दूसरे प्लॉट को ये लोग रजिस्ट्री कराने के लिए आए। मतलब सुबह हम लोग पता चला कि ये लोग पंचायती करने वाले। हम लोग ठीक है, पंचायती करके निर्णय ले लीजिए। आपको अगर रखना है अपने साथ में तो पैसा का हिसाब दीजिए, जो आपने बेचा है जमीन का आप लोग रखिए। वो लोग कौन बोले? वो लोग हीरालाल चौहान है। खबर पटना से है, जहां जहरीली शराब के तेजी से बढ़ते मामले को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता देवयानी मिश्रा ने नीतीश कुमार पर जमकर कटाक्ष किया और कहा कि इनके राज्य में ना तो शराबबंदी सफल है और ना ही पुलिस प्रशासन इसका कोई काम करती है। बिहार में जो अभी परिस्थिति है और हम सब देख रहे हैं, चारों ओर हत्याएं, टीचर्सों को मारना, लूटपाट और साथ में शराबबंदी जो एक समय में लागू किया गया था वो कभी सफल हुआ ही नहीं। और अभी ये हत्याएं और ये मौत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। और बात करने पर हमारे ऑनरेबल CM साहब सदन में अपने शालीनता खो के, सारे प्रोटोकॉल्स खो के वो चिल्लाने लगते हैं। ये बहुत ही खराब स्थिति है बिहार की। और बात करने पर उनके पास एक ही जवाब है और वो जवाब है, जो पिएगा वो मरेगा और जो बेच रहे हैं उनका क्या। और साथ साथ ये भी बहुत ज़्यादा उन्होंने उस वक्त कहा था कि आधी आबादी उनके साथ है और उन्होंने महिलाओं और बेटियों के लिए शराबबंदी की थी। खबर सहरसा से है, जहां चतुर्थ कृषि रोड मैप को लेकर जिला स्तर पर किसानों के साथ विचार विमर्श एवं उनके सुझावों को संकलित करने को लेकर प्रेक्षागृह में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बता दें, कार्यशाला का उद्घाटन जिला अधिकारी, कृषि कॉलेज अधिकारी व महिला किसान सहित संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया गया। इस मौके पर जिला अधिकारी ने कहा कि जिले की भूमि बहुत उपजाऊ है और इसमें भरपूर उपयोग किसान करेंगे तो उत्पादन काफी अच्छा होगा। बिहार सरकार किसानों की भलाई के लिए, किसानों की प्रगति के लिए कृषि रोड मैप बनाने जा रही है। इसके पूर्व 3 रोड मैप बन चुके हैं, यह चौथा कृषि रोड मैप बनने जा रहा है और इसमें किसानों से सुझाव लेकर ही उसे शामिल किया जाएगा और उसी के आधार पर रोड मैप बनाया जाएगा। इसमें यह देखा जाएगा कि किसानों की क्या आवश्यकता है, क्या उनकी परेशानी है, वह कैसे दूर हो, इन बातों को शामिल किया जाएगा। साथ ही किसान आगे तरक्की कैसे करें, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे किस रूप में डेवलप हो, इन बातों को शामिल करते हुए बिहार सरकार को भेजा जाएगा। होता है कि हम एक अपना विजन प्लान तैयार करते हैं, तो वो विजन प्लान में हम लोग जमीन के लेवल पे कृषि के क्षेत्र में क्या चाहते हैं उसके लिए एक पूरा रोड मैप होता है। तो इसमें जो भी सरकार की योजना हो वो सभी योजनाएँ अल्टीमेटली हमारे किसानों के लिए हैं। तो अगर कोई रोड मैप तैयार हो रहा है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इनपुट होता है हमारे किसान क्या चाहते हैं, उनको क्या समस्याएं आ रही हैं और पिछले कृषि रोड मैप से उनको क्या नई चीज़ें जुड़ना चाहिए जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्रोवाइड करेगा। इसलिए आज सहरसा जिला से कोने कोने से बहुत सारे किसान यहाँ पर आए हैं, वो सभी अपना सुझाव देंगे। उन सभी सुझावों को समेकित करते हुए हम लोग इस कृषि रोड मैप में सम्मिलित करेंगे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम TV के साथ।
क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तो पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। पहुंचेंगे हम वहां जहां हर खबर दबाई जाती है। दिखाएंगे वो जो आपकी नजरों से रहता है उजल। पहुंचेंगे हर जिले के कोने कोने तक। जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। खबरों में रफ्तार, बेखौफ अंदाज। प्रदेश में बनेंगे आपकी आवाज। प्राइम टीवी, सच, साहस और सरोकार के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर बेतिया से है जहां ग्राम नियोजन केंद्र नरकटियागंज के द्वारा समृद्धि परियोजना के अंतर्गत आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए दूसरा दल नरकटियागंज प्रखंड के 19 गांव की लड़कियों के बैच बस से नरकटियागंज से बेतिया के लिए रवाना हुई। इस प्रशिक्षण शिविर में कुल 40 किशोरियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसके लिए लखनऊ से रेड ब्रिगेड से अजय पटेल के नेतृत्व में एक प्रशिक्षकों का दल को ग्राम नियोजन केंद्र द्वारा बुलाया गया है। बता दें इस मौके पर ग्राम नियोजन केंद्र की मॉनिटरिंग और ऑफिसर के साथ सोशल मोबिलाइजर शशिकांत पाठक भी मौजूद रहे। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है जहां लगने वाले जनता दरबार में भूमि विवाद का निपटारा किया गया। वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए लौरिया प्रभारी सर्किल ऑफिसर ने बताया कि पूर्व के मामला का निपटारा किया गया और आज एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। बता दें मौके पर साठी थाना अध्यक्ष उदय कुमार मौजूद रहे। हर शनिवार की तरह आज भी थाना प्रभारी महोदय जी के साथ जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व जो एक नोटिस दिया गया था वो टर्न अप नहीं हुआ और नया कोई नहीं। पहली बार कि हम रोड के जमीन में मानी हमारा का सीताराम नोटे का चाहता है तो मारा तानी डरवाओ तानी धमकी देले भाई अपन को घर बना ले। जनता दरबार में ये तो का भइलो का भइल ये सूचना की नाती हो की तो नाती हो जाइयो बात है तो हम कहीं के हमारा संतुष्ट जनता दरबार। हां हां ये रास्ते के जमीन के लिए साठी थाना में। साठी थाना में क्या हुआ है? सर बोल रहे हैं कि हाँ यहाँ से रिपोर्ट करके SDM के यहाँ भेज दिए। जनता दरबार क्या करना? नापी के लिए आवेदन दिए थे सर के CM साहब से। क्या बोला? बोले हैं कि लौरिया आई। खबर सुपौल से है जहां लगभग 20 सालों से उप स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा था और उसमें उसे और जलावन रखी जाती थी। वहीं इस खबर को मीडिया ने प्रमुखता से दिखाते ही स्वास्थ्य विभाग में हलचल देखने को मिला और लगभग 20 दिन बाद स्वास्थ्य विभाग को चालू कर दिया गया। वहीं जनप्रतिनिधि पंचायत समिति अब्दुल रहमान एवं जिला परिषद पूनम कुमारी ने मीडिया के संबोधन में कहा कि अब ग्रामीणों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। सबों ने मुझको काफ़ी सपोर्ट किया है और सबसे मैं तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैनेजर साहब का कि जिन्होंने मैं इनसे ये तीसरी बार मेरी मुलाकात हुई है। सर से मेरी बातचीत हुई लेकिन इन लोग
ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुरंत एक ही बात हम इनको बोले और ये अतिक्रमण था इसको मुक्त करवाने के लिए, तो सर ने अतिक्रमण मुक्त करवाया, हम सबों ने हम सबों का साथ रहा। बहुत ही अच्छी बात है कि इसका आगाज़ हो गया, ये खुल गया और हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि महोदय का काफ़ी योगदान रहा, खासतौर पर हमारे मैडम का और पंचायत समिति और माननीय मुखिया जी अभी उपस्थित है नहीं, इन तमाम लोगों का काफ़ी योगदान रहा और आज इसकी शुरुआत हुई है, हम लोगों ने काफ़ी इसको तहे दिल से लिया। बिहार की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीति।